Good morning, students. Yesterday I have discussed with you national parties. Some of the parties we have discussed. First, I have discussed with you AITC, then BSP, Bharatiya Janata Party, CPI and CPIM ideology. All the ideologies of different parties can be come for 5 marks, 3 marks, or 1 mark question. You have to read thoroughly and learn the ideologies properly. Clear? Okay, today I will discuss with you two more parties. Total 7 parties are there. Two more parties, INC and NCP. Clear? Basically, common is Congress. Dono mein Congress hai, common. But these are separate. ये इकट्ठी नहीं है, स्प्लिट हो गई थी. स्प्लिट का मतलब होता है पार्टी टू पार्ट में डिवाइड हुई. ठीक है, तो ये हमने अब आगे करना है. इनकी अलग अलग आइडियोलॉजी, इनके सिंबल्स भी अलग अलग है, और इनका आगे जो है वो क्या क्या इनके मतलब सीट्स, लोकसभा की सीट्स क्या थी इनकी, करंट सिचुएशन 2019 की. क्लियर? ओके, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया नेशनल कांग्रेस, INC. इसका जो सिंबल है, that is palm hand, is the symbol of this party. It is the oldest political party. Oldest kyun? Because independence se bhi pehle Indian National Congress bani thi. 1885 AOU, ek retired British officer, theek hai. And अल्टीमेटली इस पार्टी का बनाना, रीजन क्या था इस पार्टी के बनाने के पीछे, एट दैट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट दे वांटेड दैट एग्रेशन ऑफ पीपल शुड बी ब्रॉट फॉरवर्ड बाय अ पीसफुल काइंड ऑफ मेथड, एंड सो दैट्स व्हाई दे सजेस्टेड टू मेक अ पॉलिटिकल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन हुज मेंबर विल फॉरवर्ड द प्रॉब्लम्स ऑफ द लोकल पीपल form of applications, letters. Initially though it was very successful. Many leaders were there, like Dada Bhai Nauroji, okay? Then important leaders were there. Even some of the leaders, they were extremists also, like Lal Bal Pal. So some were, you can say, happy with the British government policies, and some were not. Some opposed the policies. So at that time, the making of party was the demand of the country, because people, they wanted to solve their problems with the help of this party. And later on, this party mein baad mein national struggle mein bahut important role play kiya. Oldest political party mani jati hai, AOU, that he founded the Congress party during British rule. Theek hai, kaun the wo? Ek retired British officer, he was a retired British officer. Theek hai, then iske baad fir aapne batana hai पार्टी का मेन जो मतलब लीडरशिप, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस पार्टी के मेन जो, जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये पार्टी सबसे हाईएस्ट यानी कि हाइट पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट की, ड्यूरिंग द राइन ऑफ या रूल ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर कंट्री. ठीक है, एंड ही बिलोंग टू कांग्रेस पार्टी. देन अब इस पार्टी का मेन एजेंडा क्या है, मॉडर्न, ये वर्ड्स आपने याद रखने हैं, मॉडर्न, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. यानी कि इनका मानना है कि इंडिया जो है वो क्या होना चाहिए, मॉडर्न, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. ये 4 वर्ड्स याद रखो, इनकी आइडियोलॉजी का मेन एजेंडा का मेन थीम है. देन इसके बाद ये पार्टी ने मोस्ट ऑफ द टाइम रूलिंग पार्टी रही हमारी कंट्री में, मोस्ट ऑफ द टाइम ये पार्टी मेजोरिटी में रही. ठीक है, रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977. ठीक है, 1977 तक सेंटर में रही, और उसके बाद 1980 टू 1989. ठीक है, तो ये कुछ पर्टिकुलर ईयर्स हैं, अगर आपको याद होता है तो ठीक है, अदरवाइज जस्ट रीड करो. आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी हमारी कंट्री में कौन कौन से पर्टिकुलर ईयर थे जिस ईयर में ये रूलिंग पार्टी में रही. लेकिन 1990 के बाद इनका जो सपोर्ट है वो थोड़ा कम हो गया, डिक्लाइन. इट कंटिन्यूज टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री, लेकिन आज भी हमारी कंट्री में बहुत सी स्टेट्स हैं जहाँ पर आज भी हमारी कंट्री में ये MLAs हैं. इवन लोकसभा में भी ये काफ़ी देर तक ऑपोजिशन पार्टी का रोल प्ले किया है इसने.
ठीक है। देन अब ये जो पार्टी है, ये यूथ अलायंस, इस पार्टी ने अलायंस बनाई और इसकी अलायंस का नाम क्या है, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अलायंस, अलायंस कब बनाई जाती है, जब पार्टीज जो हैं अलग अलग पार्टीज के साथ मिलकर इलेक्शन से पहले ग्रुप ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। लाइक हमारी कंट्री में जैसे पंजाब की बात करें तो पहले अकाली और बीजेपी का अलायंस, लेकिन अब इनका अलायंस नहीं है। ऐसे ही यूपीए मतलब एक अलग अलग कांग्रेस के अलावा और बहुत सी पार्टीज हैं। तो कौन कौन सी पार्टीज हैं, तो वैसे बहुत सी पार्टीज है, लेकिन यू कैन राइट सम ऑफ द पार्टीज नेम जो कि यूपीए में कांग्रेस के साथ, ठीक है। एक है डीएमके, ये स्टेट पार्टी, एनसीपी सेम ये पार्टी, तो एनसीपी है ना, ठीक है, ये इनके साथ है, यानी कि यूपीए में है, एनसीपी जो है वो यूपीए में है। देन सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआई, सीपीआईएम, और एक है राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी। तो वैसे तो और भी पार्टीज हैं, लेकिन जैसे आप इनका याद रखो कि ये कुछ पार्टीज हैं जो यूपीए कांग्रेस के साथ है, आईएनसी के साथ। यूपीए मींस यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है। तो कांग्रेस किसका पार्ट है, यूपीए का, बीजेपी किसका पार्ट है, एनडीए का। तो एट प्रेजेंट क्या है, एनडीए अलायंस है, बीजेपी के अलावा और भी पार्टीज हैं, ठीक है। अब इसके बाद फिर आपने ये याद रखना है कि इस पार्टी का मेन जो जिसमें कहते हैं कि एजेंडा, ठीक है, एजेंडा क्या है इस पार्टी का, ये इस पार्टी का मेन जो सपोर्ट है, ठीक है, वो वीकर सेक्शंस या सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म चाहती है ये, ठीक है, वीकर सेक्शंस को सपोर्ट करती है। Then INC supports new economic reforms. ये नए economic reforms देना चाहती है country में with a human face. The leader of the UPA government formed 2004 to 2019. यानी कि हमारी country में 2004 से लेकर 2019 जो है, ठीक है, तो इसमें UPA ultimately बनी कब थी ये मैं नहीं याद रखूँ, UPA बनाई कब, means ये अलायंस बनी कब थी ये मेन ईयर याद रखो, 2004। जब किसी पार्टी को ये लगता है कि वो मेजोरिटी नहीं जीत सकते तो वो अलग अलग छोटी छोटी पार्टीज के साथ ज्वाइन करते हैं, हैंड्स ज्वाइन करते हैं, अलायंस बनाते हैं। तो कांग्रेस ने मिलकर 26 छोटी पार्टीज के साथ मिलकर अलायंस बनाया, कौन से ईयर में बनाया, 2004 में अलायंस बना। यूपीए कब बना, 2004। अब हमने फिर याद रखना है इसके लोकसभा के लेटेस्ट इलेक्शन रिजल्ट, कितने इसको सीट्स पड़ी, कितनी सीट जीती इन्होंने, 52 सीट्स 2019 में इलेक्शंस में इस पार्टी को कितनी सीट्स मिली, 52 सीट्स, मतलब 52 एमपीज इस पार्टी के एट प्रेजेंट लोकसभा में कितने एमपीज हैं, 52 MPs, ठीक है। तो इसलिए नेशनल पार्टी है क्योंकि 4 से ज्यादा सीट्स हैं और बहुत सी स्टेट्स में इस पार्टी की ब्रांचेज हैं। आइडियोलॉजी नेशनल लेवल की है, काफी देर तक हमारी कंट्री में रूल किया है, सोनिया गांधी की लीडरशिप है, लेकिन स्टार्टिंग में हमें बताना है कि स्टार्टिंग पंडित जवाहरलाल नेहरू, देन इंदिरा गांधी, और उसके बाद आगे इस पार्टी के मेन फेस जो है वो प्राइम मिनिस्टर कौन थे, मनमोहन सिंह। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में उनका बहुत एक बेस्ट एफर्ट माना जाता है, इकोनॉमिक्स के वो मतलब मेन उनका सब्जेक्ट जो था, ठीक है। तो ये सारा आपने पार्टी का एजेंडा और उनकी आइडियोलॉजी आपने इसमें बताई, दैट इज ऑल अबाउट आईएनसी। अब आ जाइए नेक्स्ट इज एनसीपी। एनसीपी इसकी फुल फॉर्म, दैट इज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, अर्लियर इट वाज अ पार्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी, लेकिन बाद में स्प्लिट हो गया। स्प्लिट का मतलब होता है कई बार पार्टीज के बीच में, कुछ लीडर्स के बीच में आपस में डिस्प्यूट्स होते हैं, तो पार्टी टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई एनसीपी।
हाँ जी, इस पार्टी का सिंबल क्या है? क्लॉक। इलेक्टोरल सिंबल ऑफ दिस पार्टी इज क्लॉक, ठीक है। एंड फॉर्मड इन विच ईयर? 1999। फॉर्मड इन 1999, ठीक है। एंड अल्टीमेटली इनका मेन जो मतलब आइडियोलॉजी क्या है? गांधीयन फिलोसफी। ये गांधीयन फिलोसफी के साथ बहुत ज्यादा जो है वो अटैक हैं, ठीक है, और गांधी जी के जो व्यूज हैं उनसे उनको ये अपनी मतलब मैनिफेस्टो में पार्ट दिया है इन्होंने। देन सेकुलरिज्म, इक्वालिटी, इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, ठीक है, सोशल इश्यूज को रिमूव करना। और किस पे बिलीव है इनका? फेडरलिज्म पे बिलीव है, ये कंट्री में फेडरलिज्म चाहती है। एंड इनका ये मानना है कि कंट्री में जितनी भी इम्पोर्टेंट पोजिशंस हैं वो यहाँ के जो बॉर्न सिटीजन्स हैं, नेचुरल बॉर्न सिटीजन्स हैं, उनको मिलनी चाहिए। यानी कि इनका ये मानना है कि जो यहाँ पे प्रेफरेंसेस, जो यहाँ के बॉर्न सिटीजन्स हैं उनको प्रेफरेंसेस मिलनी चाहिए, ठीक है। देन मेजर पार्टी, सबसे ज़्यादा इनका बेस कहाँ पे है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इनका बेस, जहाँ पे मतलब इनकी बहुत ज़्यादा जिसमें कहते हैं सपोर्टर्स है। इसके अलावा और भी बहुत सी स्टेट्स हैं, मेघालय, मणिपुर, असम, ठीक है। और इनकी आपने लोग सब, इनका ये बताना है कि यूपीए का पार्ट है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का पार्ट है। और लोकसभा इलेक्शंस में इस पार्टी को कितनी सीट्स मिली थी? 5 सीट्स मिली। फाइव एमपीज। इस पार्टी के कितने एमपी हैं? 5 एमपीज, क्लियर। तो ये हैं अलग अलग पार्टीज और उनकी आइडियोलॉजी के रिलेटेड, तो जिसमें आपको पता होना चाहिए कि हर पार्टी का सिंबल, हर पार्टी की आइडियोलॉजी और लास्ट लोकसभा इलेक्शंस में उनके रिजल्ट के, क्लियर। और इसके बाद फिर हम करते हैं कुछ स्टेट पार्टीज। ये मैंने आपको सारा डिस्कस किया आपके साथ। नेशनल पार्टीज, टोटल 7 पार्टीज हैं। हर पार्टी की फुल फॉर्म, उनका सिंबल, ठीक है, और फिर आपने रिकॉग्नाइज करना है। आपको पूरा पता होना चाहिए कि कौन सी पार्टीज। अब लिस्ट, सपोज लिस्ट आपके सामने कोई भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है जिसमें आपको अलग अलग लिस्ट दी हुई है। आपने उसमें से नेशनल पार्टी को अलग रिकॉग्नाइज करना, स्टेट पार्टी को अलग रिकॉग्नाइज करना। तो ये तभी आप कर पाओगे जब आपको सभी स्टेट पार्टीज के नेम भी पता होंगे। तो यू कॉन्ट रिमेंबर ऑल द स्टेट पार्टीज, बट बाई रीडिंग ऑल द पार्टीज रिलेटेड टू योर मैप, ठीक है। लाइक इन द बुक यू हैव अ मैप लाइक दिस, दीज आर रीजनल पार्टीज ऑफ इंडिया, ठीक है। सेवरल रीजनल पार्टीज आर देयर एंड यू कॉन्ट रिमेंबर ऑल द पार्टीज, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। बट यू हैव टू रीड सो दैट इट इज क्लियर टू यू विच इज नेशनल एंड विच इज रीजनल पार्टी, साइड बाई साइड, क्लियर। एंड कुछ ऐसी पार्टीज हैं जो उनका एजेंडा तो नेशनल लेवल पे है लेकिन वो नेशनल पार्टी बनी नहीं, क्योंकि उन्होंने शायद इलेक्शन कमीशन का जो मतलब क्वालिफाई, उनकी जो कंडीशंस हैं उनको क्वालिफाई नहीं किया, ठीक है। तो कुछ ऐसी ही पार्टीज हैं जो नेशनल पार्टी नहीं है लेकिन कहने को वो ऑल ओवर मतलब स्टेट, सभी स्टेट्स में वर्क करती है, लेकिन वो उनके या तो MLAs नहीं बन पाए या फिर उनका नेशनल लेवल पे जो इलेक्शन कमीशन की कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई नहीं करती, ठीक है। अब कुछ ऐसी पार्टीज हैं जो है तो नेशनल लेवल पे हैं लेकिन ना वो नेशनल हैं और उनको प्रॉपर जो है वो नेशनल स्टेटस नहीं दिया गया। कुछ पार्टीज हैं, फॉर एग्जांपल समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल। ये दो पार्टीज ऐसी पार्टीज हैं जिनका नाम तो नेशनल लेवल, जैसे राष्ट्रीय जनता दल है ना, तो नेशनल लेवल पे स्ट्रेटजी है लेकिन ये नेशनल पार्टी का जो कंडीशंस है उनको नहीं क्वालिफाई करता, ठीक है। तो इसलिए ये नेशनल पार्टीज नहीं है, समाजवादी पार्टी एंड राष्ट्रीय जनता दल, ये नेशनल पार्टी नहीं है, ठीक है। इनको स्टेट पार्टीज ही माना जाता है। पार्टीज लाइक लाइक बीजू जनता दल, ये स्टेट पार्टी है, ठीक है। देन सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये स्टेट पार्टी है। मिजो नेशनल फ्रंट, कई बार तो स्टेट से ही रिकॉग्नाइज हो जाता कि स्टेट पार्टी। तेलंगाना राष्ट्र समिति, ये स्टेट पार्टी है, ठीक है। तो ये तभी आपको पता लगेगा जब आप इन पार्टीज के अच्छी तरह से स्टेट्स जो है वो देखोगे, है ना। अब कुछ पार्टीज जो है, जस्ट आप अगर थोड़ा थोड़ा रोज रीड करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे ईस्ट वेस्ट में
सबसे पहले ऐसे याद करो कि इंडिया के वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग आप याद करो कि डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग लाइक हम स्टार्ट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर है ना। अब जम्मू एंड कश्मीर की कुछ पार्टीज हैं, स्टेट पार्टी है, तो नाम से पता लग जाएगा इनकी पार्टी का नाम ही जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट है। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, तो नाम से ही पता लग जाएगा कि ये जो है ये कौन सी पार्टीज हैं, स्टेट पार्टीज हैं। ठीक है, आगे आ जाइए पंजाब। पंजाब में है शिरोमणि अकाली दल, साथ में ईयर लिखा गया है 1920। ठीक है, इसका मतलब है कि कौन से ईयर में ये पार्टी जो है वो बनी, 1920, शिरोमणि अकाली दल। इसके अलावा आप देखिए दिल्ली में सबसे जिसे हम कहते हैं दिल्ली की जो पार्टी सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा सपोर्ट जो है वो दिल्ली में कौन सी पार्टी का है, आम आदमी पार्टी। वैसे पंजाब में भी है आम आदमी पार्टी, पंजाब में भी है आम आदमी पार्टी, 2012 में बनी थी आम आदमी पार्टी। दिल्ली में तो ऑलरेडी करंट गवर्नमेंट में है ही है, ये करंट रूलिंग पार्टी है, ये जिनके CM कौन है, अरविंद केजरीवाल। ठीक है, इसका सिंबल क्या है, ब्रूम, BROOM, ब्रूम, आम आदमी पार्टी। तो अब आपको पता लगा कि आम आदमी पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी नहीं है, क्योंकि इस पार्टी का जो है वो बेस फोर स्टेट्स में नहीं है। ठीक है, देन इसके बाद हरियाणा, इंडियन नेशनल लोक दल। अब नाम से पता लगता है इंडियन नेशनल, लेकिन ये नेशनल पार्टी नहीं है, हरियाणा की जो पार्टी स्टेट पार्टी है, ये नाम से पता लगता है कि वैसे इन्होंने नाम क्या है, इंडियन नेशनल लोक दल। लेकिन कंफ्यूज मत हो जाना, सपोज नेशनल पार्टीज की लिस्ट में ये नाम होगा तो आप बोलोगे कि हाँ जी नेशनल वर्ड है, लेकिन ये जो है ये हरियाणा की स्टेट पार्टी है। इसकी जो इसका सिंबल है क्या है, स्पेक्स है, और 1977 में बनी थी हरियाणा में नेशनल, इंडिया नेशनल लोक दल। ठीक है, आगे देखो बेटा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे बेस जो है जिस पार्टी का है, सबसे ज्यादा सपोर्टर्स किसके हैं, शिवसेना, बो एंड एरो। इसका सिंबल क्या है, शिवसेना का सिंबल है बो एंड एरो। इसके अलावा और भी है, महाराष्ट्र नव निर्माण सेना। ठीक है, लेकिन शिवसेना का बेस ज्यादा है यहाँ पर, ये भी क्या है, स्टेट पार्टी है। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया आपके थोड़े नदरन साइड और वेस्टर्न, है ना। आगे देखो यूपी और बिहार। यूपी और बिहार मोस्टली जो पार्टीज हैं, ठीक है, नाम से है उनका, नेशनल लेवल पता लगता है, लेकिन वो नेशनल नहीं है। अब आपने कैसे रिकॉग्नाइज करना है, पहले नेशनल पार्टी की लिस्ट को अच्छी तरह से याद करो। नेशनल पार्टी में मेन 7 पार्टीज हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा पार्टी इसमें गिवन है, इट मीन्स वो स्टेट पार्टी है, तो उसमें से पिक एंड चूज है, नेशनल को अलग कर दो स्टेट को अलग कर दो तो आपको याद हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेट में कौन सी पार्टी है। ठीक है, ये कौन सी पार्टी, सपोज आपको लिस्ट गिवन है स्टेट पार्टीज की, तब आपने रिकॉग्नाइज करना है कि इनमें से ये जो पार्टीज हैं ये कौन कौन सी स्टेट्स की हैं, कौन सी नॉर्थ ईस्टर्न है या कौन सी साउथ की है। तो वो नाम से कई बार क्लियर नहीं होता, तो आपको अच्छी तरह से रीड करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। अब यूपी में देखो, यूपी में सबसे राष्ट्रीय लोक दल, एंड दूसरी क्या है, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का सिंबल क्या है, साइकिल, और राष्ट्रीय जनता राष्ट्रीय लोकदल का क्या है, हैंडपम्प, सिंबल है ये। अगेन उत्तर प्रदेश में 2 पार्टीज, समाजवादी पार्टी एंड राष्ट्रीय लोकदल, ये दोनों ही स्टेट पार्टी हैं, नेशनल पार्टी नहीं है, इनको नेशनल पार्टी की रिकॉग्निशन नहीं मिली है। राष्ट्रीय लोकदल एंड समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी का सिंबल क्या है, साइकिल, राष्ट्रीय लोकदल हैंडपम्प। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की मेन, यूपी में इनको ज्यादा सपोर्ट मिला। देन है बिहार, बिहार में कौन सी पार्टी है, जनता दल, जनता दल। तो अब आपको पता लगे जनता दल नेशनल पार्टी नहीं है, जनता दल क्या है, स्टेट पार्टी। देन लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, देन राष्ट्रीय जनता दल एंड राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। राष्ट्रीय वर्ड, पार्टी के साथ राष्ट्रीय वर्ड लगाने से या नेशनल वर्ड लगाने से वो नेशनल पार्टी नहीं होती, याद रखना होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो, 7 सिस्टर स्टेट जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स,
इनमें अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग पार्टीज हैं। तो इसका नाम, नाम से क्लियर, असम देखो, असम, असम गण परिषद। कई पार्टीज का तो स्टेट से नाम पता लग जाता है, आपको पता लग जाए कि यहाँ असम गण परिषद तो ये असम की है। नागा पीपल्स फ्रंट तो नागालैंड की है ये, ठीक है। पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल तो अरुणाचल प्रदेश की है। मिजोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस तो ये मिजोरम की है, ठीक है। तो ये जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पार्टीज है। तो इनको इसी तरह जितनी मैंने आज करवाई है, तो थोड़ी ऐसे लर्न करो, तो आपको एटलीस्ट हर पार्टी का जो है वो स्टेट और हर पार्टी का स्टेटस की वो नेशनल, यानी कि अब आपको क्या क्लियर होना चाहिए। नंबर वन, सपोज अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको 7 और 8 पार्टीज की लिस्ट देनी है, तो आपने उसमें से क्या रिकॉग्नाइज करना होगा, विच इज स्टेट पार्टी, विच इज नेशनल पार्टी, ठीक है। नेशनल पार्टी को जब आप एक बार सारी नेशनल पार्टीज लर्न कर लोगे, नेशनल पार्टीज लर्न करोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि स्टेट पार्टीज कौन सी होंगी, ठीक है। नेशनल पार्टीज कौन सी है, AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। नंबर टू BSP, बहुजन समाज पार्टी। नंबर थ्री भारतीय जनता दल BJP। नंबर फोर CPI। नंबर फाइव CPIM। नंबर सिक्स इंडिया नेशनल कांग्रेस। एंड लास्ट इज NCP, ठीक है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। अब इन पार्टीज का जो स्टेटस है दैट इज नेशनल, बाकी जो भी होंगी वो होंगी स्टेट पार्टीज, क्लियर। तो अब आपने अलग अलग पार्टीज की लिस्ट जो है वो इस तरह बनानी है, नेशनल की अलग बनाओ, स्टेट पार्टीज की अलग बनाओ, ताकि आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो इजिली रिकॉग्नाइज हो जाए। फिर आपने सेकंड कैसे आप लर्न कर सकते हो, आपने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इंडिया का मैप जो है उसको आपने फोर या सेंटर मतलब 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, वेस्टर्न, देन नदरन एंड सदरन। नॉर्थ ईस्ट में आपके आ गया 7 सिस्टर्स, उनकी पार्टीज, ठीक है। नॉर्थ में आपकी जो स्टेट्स हैं उनकी पार्टीज, वेस्ट की स्टेट्स आ गई, साउथ की आ गई और सेंटर की आ गई। अब आपने क्या करना है, हर एक के अकॉर्डिंग, लाइक अगर आपने ईस्ट का कर रहे हो तो ईस्ट में कौन कौन सी स्टेट्स, कितनी पार्टीज हैं ईस्ट में, तो टोटल जितनी भी पार्टीज हैं उन पार्टीज को आप इस तरह से लिस्ट बनाओ, सो दैट इट विल बी क्लियर। सपोज कल को आपसे पूछा जाता है कि इनमें से सपोज एक लिस्ट है, उस लिस्ट में नेशनल पार्टीज और साउथ की जो पार्टीज हैं वो मिक्स करके गिवन है, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है दैट विच आउट ऑफ दीज आर साउथ इंडियन पॉलिटिकल पार्टी, साउथ इंडिया की है, जो मेन साउथ इंडिया की है, या विच आउट ऑफ दिस इज अ पार्टी फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु स्टेट पार्टी, विच आउट ऑफ दिस इज अ पार्टी फ्रॉम पंजाब, विच आउट ऑफ दिस इज अ पार्टी ऑफ 7 सिस्टर्स। तो ये तभी कर हो सकता है जब आपने उसको जोन के अकॉर्डिंग, जोन मतलब होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जोन के अकॉर्डिंग आप उसको लर्न करो। इज इट क्लियर, ठीक है। एनी डाउट बेटर आस्क योर डाउट्स फर्स्ट। हाँ जी, आस्क योर डाउट तुम्हारी हो। यस, ओके। तो नाउ वी कैन डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स। यू हैव बुक्स, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स बेटा, हरी अप। नाउ वी कैन डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। यू हैव बुक्स, रेज योर हैंड्स, हरी अप। हाँ जी अर्शीन, कीप योर माइक ऑन। यस यस खुशी, मैम, मैम बुक विद यू। एट प्रेजेंट आई एम नॉट हैविंग, आई हैव टू जस्ट गो एंड जस्ट टेक इट। ओके, व्हिच इज द फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन। मैम जस्ट अ सेकंड। यस मैम। हाँ जी, मैम स्टेट द वेरियस फंक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म इन अ डेमोक्रेसी। यस यू कैन राइट, विच यस आर, मैम। कैन राइट,
You have to write the meaning of political party and various functions of political party. इसके political parties के functions क्या हैं? Political parties main क्या काम करती हैं? क्यों बनाई जाती हैं? ठीक है? तो very simple you can write. ठीक है? Okay, next question. What are the various challenges faced by the political parties? Okay. Any other student? Who will give me the answer? Arshin, अपना mic on ही रखना आप. Any other student? Will you give me the answer? Ankita? Question is clear to you. Which are the challenges we have completed? Keep a mic on, Ankita. Anjit Dhavnesh. It is clear? Challenges of political parties? Yes, ma'am. Okay, next question. Arshi, next question. Suggest some reforms to strengthen parties so that they perform their functions well. You can write this. Reforms. Which are the reforms? Yes, ma'am. Both we have to write. Both way we have to write. What government, the steps government have been taken, already taken, or we can give suggestions. Dono hi tarah se dene hai ki government ne kya kiya hai and hum kya suggestion de sakte hain, wo combine karke likhna hai. Which are the suggestions, Arshin? Number one. Steps कौन से लिए गवर्नमेंट ने नंबर वन मैम एंटी डिफेक्शन लॉ और पॉलिसी ओके नंबर टू एफिडेविट एफिडेविट नंबर थ्री फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न इज कंपलसरी टू ऑल एंड यस मैम देन इंटरनल इलेक्शन शुड बी इन द पॉलिटिकल पार्टी सो दैट यू कैन से कॉमन पर्सन जो कॉमन पीपल हैं दे कैन कम फॉरवर्ड आगे आए एंड पॉलिटिकल पार्टीज की जो भी इम्पोर्टेंट सीट्स हैं उसको प्रॉपर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्ले कर सके देन सम अदर सजेशंस बाय अस कौन से स्टेट फंडिंग ऑफ मैम देन कोटा फॉर वुमेन स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन शुड बी देयर प्रॉपर कोटा ऑफ वुमेन रिगार्डिंग सीट्स अच्छा बेसिकली अब देखना आप कितने ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं जितने भी आपने देखा होगा ना बेसिकली दे आर गिविंग टिकट्स टू द मेल मेंबर्स जलंधर की बात कर लो क्या आपने कभी सुना है वुमेन जलंधर में वुमेन सुना है एमपी नहीं मैम नहीं ना यही है कि मतलब जलंधर की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से बहुत ही रेयर है कि कोई वुमेन बनी हो इवन एमएलए भी कोई एट प्रेजेंट लेटेस्ट आपने कोई देखे कि किसी वुमेन को एमएलए के लिए टिकट दिए किसी पार्टी ने सुना नहीं मैम वेरी रेयर तो दिस इज काइंड ऑफ सजेशन दैट व्हाइल गिविंग द टिकट्स टू डिफरेंट मेंबर्स प्रॉपर कोटा शुड बी इन द पार्टी सो दैट वुमेन शुड कम फॉरवर्ड ठीक है इन द लेजिस्लेशन प्रोसेस सेम इन पार्लियामेंट और इन लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस नेक्स्ट वोटिंग शुड बी कंपल्सरी वोटिंग कंपल्सरी होनी चाहिए ठीक है देन यूज ऑफ कास्ट रिलीजन कॉम्यूनल प्रॉब्लम्स जो हैं इलेक्शंस के टाइम पीरियड में इनको हाईलाइट नहीं हुई अच्छा लेटेस्ट न्यूज बताओ असेंबली इलेक्शंस पोस्टपोन हुए हैं प्रपोज डेट क्या है अब 20 फरवरी टू एंड रिजल्ट्स ऑन 10 मार्च अर्लियर इट वाज 14 नाउ इट हैज शिफ्टेड बिकॉज ऑफ यू कैन से सम पीपल द डिमांडेड दैट दिस यू कैन से वोटिंग शुड बी पोस्टपोन तो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है अब ये 20th फरवरी है ना तो इलेक्शन कमीशन कई बार लोगों की प्रॉब्लम्स अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम किसी पर्टिकुलर जो है वो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं तो नए नए आप रूल्स एंड रेगुलेशन देखोगे कि और नए रूल्स एंड रेगुलेशन क्या बन रहे हैं ना ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अर्शी व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी यू कैन राइट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ठीक है एंड यस मैम एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ मैम बस यही है क्वेश्चन ओके अब इसके अलावा इसके कुछ मैच का कॉलम्स है वो बोलो यस मैम जस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं हां जी मैम मैच द कॉलम्स लिस्ट 1 है कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट आइडियाज एंड तेलुगु देशम पार्टी. तो इसको मैच करो. मैम लिस्ट टू, मैम बोलू लिस्ट टू? हाँ जी हाँ. मैम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, स्टेट पार्टी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, लेफ्ट फ्रंट. हाँ जी. तो सबसे पहले नंबर वन, नंबर वन क्या है मैम? कांग्रेस पार्टी का आएगा यूपीए. यूपीए. यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस. नंबर टू. हाँ जी मैम भारतीय जनता पार्टी विल बी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. एनडीए. थर्ड मैम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लेफ्ट फ्रंट. लेफ्ट फ्रंट ठीक है. और आगे तेलुगु देशम पार्टी विल बी स्टेट पार्टी. स्टेट पार्टी. हाँ जी. अब ये लेफ्ट फ्रंट पता क्या होता है? लेफ्ट फ्रंट राइट फ्रंट ना ये एक नया ट्रेंड है. फ्रंट अलायंस, जैसे आपने तीन चीजें सुनी होंगी, कोलिजन गवर्नमेंट, अलायंस, थर्ड है फ्रंट. कई बार पार्टीज अलायंस नहीं बनाती, फ्रंट बना लेती है. फ्रंट का मतलब क्या होता है कि जब इलेक्शंस के टाइम में कॉमन स्ट्रेटजी होती है उनकी, एक जैसी स्ट्रेटजी अलग अलग पार्टीज जो है, ताकि वोट बैंक को अट्रैक्ट किया जा सके. तो मतलब लीडर्स आपस में मिलकर जो है वो कॉमन स्ट्रेटजी बना लेते हैं. तो ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं? लेफ्ट फ्रंट, राइट फ्रंट, मोर्चा. मोर्चा बना लेना, मोर्चा बनाना मतलब काइंड ऑफ ग्रुप बना लेना. तो कई बार क्या होता है, जब उनको लगता है कि मेजोरिटी पार्टी से वो नहीं जीत सकते, तो वो ग्रुप अपना स्ट्रांग करने के लिए अलग अलग पार्टीज को मिलाकर एक अपना एक अलग से एक काइंड ऑफ फ्रंट बना लेते हैं. अलायंस, अलायंस तो होती है इलेक्शंस के लिए होती है. फ्रंट जो है वो फ्रंट इसलिए बनाई जाती है ताकि इलेक्शन लोकसभा में या राज्यसभा में या जब भी कहीं भी, या MLAs हैं जब भी कोई बिल पास करना होता है, वो अपनी एक यूनिटी बना लेते हैं मेजोरिटी के अगेंस्ट. अपोजिशन, अपनी एक अपोजिशन. जब स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं ना होती, तो आपस में मिलकर ही अपनी अलग से एक काइंड ऑफ ग्रुप बना लेते हैं. उसको बोलते हैं फ्रंट. ठीक है. ओके. एनी वन मोर क्वेश्चन इज देयर आई थिंक, है ना? MCQs क्या है? यस मैम, MCQs है. हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ द बहुजन समाज पार्टी? हां तो पता ही है अब. राइट. कांशीराम. कांशीराम. एक और, वॉट इज द गाइडिंग फिलोसफी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी? मॉडर्निटी. मैम इसके ऑप्शन है बहुजन समाज, रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी, इंटेग्रल ह्यूमनिज्म, मॉडर्निटी. मॉडर्निटी. सपोज कल्चर नेशनलिज्म, सपोज कल्चर नेशनलिज्म अगर यहाँ पे होता तो that will be the answer for that. That main philosophy of Bharatiya Janata Party is cultural nationalism, Hindutva. अगर ये होता तो ये option होता. अगर इसमें modernity है तो right answer is modernity. तो कई बार आप ये देखो कि इस तरह से भी questions आपको आ सकते हैं. ठीक है. अब वैसे subjective है आपका बच्चे, वैसे आपका paper जो है वो subjective है. ठीक है. तो आपने sample paper अच्छी तरह से देखा बच्चा? We have sent you. Go through the sample paper properly. And please just check the type of question paper questions according to that. Clear? Okay. I'm going. Yes, ma'am. Thank you.